हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का जो कार्यक्रम हम लोग शुरुआत करेंगे, सभी वरिष्ठ वैष्णव गुरुवर्ग के चरण कमल में वंदन करता हूँ कि वो हमारे ऊपर इस उनकी असीम कृपा हो, ताकि हम भगवान के बारे में, आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि भागवतम तो समस्त भागवतम ही अच्छे होते हैं, लेकिन आज जो है भगवान का भगवंता के बारे में यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी उनके बारे में बता रहे हैं और प्रसंग भी वैसे ही चल रहा है। तो गुरुवर्ग से यही हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुख से जो निकले आप लोगों के लिए लाभावित हो और हमारे शुद्धिकरण के लिए। तो कृष्ण भगवान खास करके भारत के अंदर असंख्य लोग भगवान कृष्ण को अवतार मानते हैं, और यहाँ तक देखेंगे स्कूल कॉलेजेस में भी, स्कूल में जब आप लोग यहाँ पे पढ़े हो तो 10 अवतार का जो गणना होते हैं उसमें इसी प्रकार के बताए गए हैं। और कई लोग इसमें भ्रमित हैं, प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण तो बाद में आए, तो कृष्ण को हम लोग प्रमुख क्यों मानते हैं। इस प्रकार के कई प्रश्न उठे जाते हैं और कई लोग इस चीज को मानने के लिए हिचकिचाते हैं कि कृष्ण भगवान ही एकमात्र क्या है, कारण है सबका। तो चलिए हम लोग तो लेते हैं कुछ श्लोक, फेमस श्लोक है, सभी लोग जानते होंगे, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी अपने परिपक्वता में भगवान कृष्ण के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि तनिक भी ये सोचना नहीं चाहिए हम लोगों को। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज इनकंसीवेबल टू द टाइनी ब्रेन्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज। भगवान का जो इनकंसीवेबल है ना, भगवान का क्या है? एक्टिविटीज, उनका कर्म, उनका जन्म, उनका जितने भी प्रक्रिया है भगवान का, हम अपने सीमित बुद्धि से उनको जान नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? जिस प्रकार एक 1500 लीटर वाला एक टंकी हो और एक गिलास जो है 300 ml का जो गिलास पानी है, वो 1500 लीटर जो टंकी है उसको कैसे समझेंगे? तो अपने 300 ml के हिसाब से समझेंगे। वैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे जो टाइनी टाइनी मतलब है बहुत छोटी है ना, जो बुद्धि है, सीमित बुद्धि है, वो भगवान को कैसे समझेंगे? तो इसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी भगवान का इस प्रकार से आना और अपना लीला को प्रकट करना, हम अपने छोटे बुद्धि से उनको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। और इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे, जाते जाते वहां पर उनको एक जगह पे कई लोग इकट्ठे हुए दिखाई पड़ा, और वहां जब दिखाई पड़ा इकट्ठे होकर के, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, अपने जो सेवक उनको भेजा कि जाकर के देखो कि वहां पे ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुआ है। तो उनके सेवक भाग करके वहां जाते हैं, वहां जाकर के देखते हैं तो कई लोग मिल करके एक व्यक्ति के ऊपर वो लोग हंस रहे हैं, और जिसके ऊपर हंस रहे हैं वो व्यक्ति वो वहां पे रो रहा है। तो आसिति यथारूप लेकर के वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु हुआ क्या कि वहां जो है कई लोग जो है इकट्ठे हैं और सब लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं, और वो व्यक्ति जिनके पास हंसे जा रहे थे वो व्यक्ति रो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु इसको सुन करके वो वहां पर पहुंचता है, वहां पर जाता है तो देखता है कई ब्राह्मण खड़े हैं और उनके ऊपर हंस रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने रोका, कहते हैं ऐसा क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो जितने भी ब्राह्मण थे चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसिद्ध है ना स्कॉलर थे, तो उनको देख करके सब लोग नमन करके चले गए और ब्राह्मण से पूछते हैं जो वहां पर बैठा हुआ था, जो रो रहा था, जिनके पर सब लोग हंस रहे थे, कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ सब लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं और तुम रो रहे हो और तुम्हारे हाथ में गीता है और तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा समझाओ। कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं हूँ अनपढ़। क्या हूँ? मैं हूँ अनपढ़ अंगूठा छाप। अच्छा, इधर समझ गया, लेकिन गीता आपने पकड़े हैं, और वो भी कैसे पकड़े हो? उल्टा गीता पकड़े हो और आंख से आंसू निकल रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? कहते हैं गुरु का आदेश है,
ये गुरु का आदेश है कि मैं गीता पर हूं, लेकिन मैं क्या हूं, अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। अच्छा, इसलिए रो रहे हो क्योंकि अनपढ़ हो? बोला नहीं, इसलिए नहीं रो रहा कि मैं अनपढ़ हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इस चित्र को देख करके किस प्रकार कृष्ण स्वयं भगवान एकमात्र जग के नाथ वो किस प्रकार अपने भक्त का रक्त हाँक रहा है, मतलब वो ड्राइवर बन गया है अपने भक्त के लिए, वो देख करके मैं भाव विभोर हो गया हूँ, मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं, मैं यही सोच के हैरान हो जाता हूँ, मेरे प्रभु आप धन्य है, आप धन्य है जो अपने भक्त के लिए आप ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। तो भगवान का जो प्रक्रिया है, भगवान का जो लीला है, वो वही व्यक्ति समझ सकता है, वही व्यक्ति जान सकता है जिस व्यक्ति ने अपने आंख में प्रेम का अंजन डाले हैं। शायद आप में से कितने लोग, शायद अधिकांश लोग जो जो थोड़ा सा उम्र के हैं, 40-50+, आप जानते हैं गांव के अंदर आंख में जब दिक्कतें होते हैं तो उसमें काजल लगाए जाते हैं। आजकल सिटी में दिखता नहीं है, आजकल सिटी में लाल नीला पीला हरा पता नहीं क्या लगाते हैं, लेकिन आंख में कुछ ऐसा चीज नहीं लगाते हैं जो आंख के लिए लाभदायक है। तो काजल लगाते हैं, काजल लगाने से आंख में जितने भी दिक्कतें होते हैं, चाहे वो धूल परे हो, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। हमारा ये अनुभव है, आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि क्या जब तक हम लोग अपने आंख में प्रेम का अंजन नहीं डालेंगे, तब तक हम उस भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, उनका लीला को पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, और इस प्रकार से क्या होगा, हम लोग भ्रमित होंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल का मतलब क्या है, उनको जानना बहुत ही कठिन है, खास करके जिनका छोटा बुद्धि है। और क्या बता रहे प्रभुपाद जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द सुप्रीम लॉर्ड बट ऑल हिज एक्शंस आर वंडरफुल फॉर अस, है ना, कि भगवान के लिए कुछ करना असंभव नहीं है, हम लोगों के लिए संभव है। वही भगवान हम देखेंगे छोटे से ही उम्र में बड़े बड़े राक्षसी का उन्होंने वध किया है, छोटे छोटे उम्र में भगवान ने इतना लीला की है, यहाँ तक स्वयं शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी और सूर्य देव, इस प्रकार के कई देवता गण, जब वो लीला था जहां पर बकासुर भगवान को निगल गया था, है ना, बकासुर को भगवान को निगल गया था, तो वहां पर सब देवता देख रहे थे कि हम देखें कि क्या लीला हो रहे हैं, लेकिन देखते देखते क्या हुआ, बकासुर ने क्या किया, भगवान कृष्ण को निगल लिए, और वहां पर शिव जी ब्रह्मा कहते हैं तो बहुत अनर्थ हो गया है, क्या हो गया, बहुत अनर्थ हो गया है, और सब लोग मिल करके क्या हुआ, एक एक करके बकासुर के ऊपर आक्रमण करने लगे। बताए गए हैं कि वहां पे जो वरुण देव हैं, अपने मूसलधार बरसात या पानी, है ना, बास ऑफ वाटर, उनको क्या करते हैं, पानी फेंकते हैं, उसको बहा करके कितने दूर तक ले जाते हैं, लेकिन बकासुर को कुछ नहीं होता है। वो खड़े होकर के फिर से कहते हैं, क्या तुम क्या आक्रमण करोगे, हैं, और ये भी कहते हैं आज हमारे भाग्य उदय है, आज कितने देवता का दर्शन भी साथ साथ मिल रहे हैं, ऐसा क्या चीज किया है। तो इस प्रकार से वहां पर इंद्र चंद्र सूर्य सब मिल करके प्रयास करते हैं कि बकासुर का वध किया जाए, लेकिन बकासुर का कोई बाका नहीं कर पाए। यहाँ तक सूरज के देवता जो विवश्वान है, जो सूर्य देव है, वो अपने समस्त शक्ति अपने ताप लेकर के उनको जलाने की कोशिश की, लेकिन वहां वो नहीं जला। तो इस प्रकार से बताए गए हैं कि समस्त देवता देवी वहां पर हताश हो जाते हैं और चले जाते हैं, कि ये बोल करके कि ये जो बकासुर है क्या है, अमर है। इस प्रकार से भगवान जो वो बकासुर के पेट में था, भगवान धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आकार को बढ़ाते हैं, और आकार को बढ़ाते से क्या होते हैं, गले में जाके अटक जाते हैं, और बकासुर क्या कहते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालते भगवान उनको क्या करते हैं, उनका वध कर लेता है। तो ये छोटे छोटे ही भगवान आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर लीला भगवान प्रकट करता है। उस लीला को समझने के लिए क्या करना चाहिए,
आंख में प्रेम का अंजन डालने की आवश्यकता पड़ता है। वो प्रेम का अंजन कहाँ मिलता है? वो प्रेम का अंजन मिलता है रसिक भक्त के संग करने से। जो रसिक सरल मन वाले जो भक्त हैं, उनका संग करने से क्या होता है, वो प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता में बहुत ही सुंदर श्लोक है, बताए गए हैं, सर्वस्य चाहामृते सन सन विश्व मतः स्मृति ज्ञाना बहुन वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदवित् एव चाहम्। समस्त शास्त्र यही कहता है। क्या कहता है समस्त शास्त्र? भगवान बता रहे हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हुआ हूँ, हर एक जीव के हृदय में बैठा हूँ। मेरे से क्या हो रहा है? मेरे से स्मरण शक्ति मिलता है, रिमेम्बरेंस, और स्मरण शक्ति और जो हम भूल जाते हैं फॉरगेटफुलनेस, भगवान बता रहे हैं ये दोनों मैं ही प्रदान करता हूँ। मेरे से ज्ञान मिलता है और विस्मृति भी हम से ही आते हैं। और बताए गए हैं कि पूरा समस्त वेदा को अध्ययन करने से क्या होता है, मुझ भगवान को ही जाने जाते हैं। ये सातवें अध्याय का 24वां श्लोक है। और क्या बता रहे हैं? आम द नो ऑफ वेदा, मैं वेद को जानता हूं। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े इस तरह के लोग भगवान को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो जिनके कारण यहाँ पर स्वयं यहाँ पर भगवान के बारे में बता रहे हैं, इसमें बहुत ही सुंदर रूप से ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 3रा अध्याय श्लोक नंबर 28 में ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें क्या बताते हैं? एते चमसा कलाहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोका मृदयंति युगे युगे। क्या बता रहे हैं? All these incarnations are either the planetary portion, जितने भी अवतार आप देख रहे हैं, सुन सकते हैं, वो क्या है? भगवान के ही विस्तार है। एते चमसा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पर बता रहे हैं जितने भी अवतार लिए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि भगवान का जो है उनका लीला जो है अद्भुत है, बहुत ही अचंभित करने वाले लीला, वंडरफुल लीलाज को बताते हैं। और क्या बता रहे प्रभुपाद? ही इज ऑलवेज बियॉन्ड द रेंज ऑफ आवर कंसीवेबल लिमिट। वो क्या है? हमारे शक्ति से परे है, हमारे जो सोच का शक्ति है, हमारे जो पहुंच है उससे परे है। इसलिए भगवान को जानना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही मुश्किल है भगवान को जानना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि भगवान कौन होते हैं, भगवान भगवान किसको कहते हैं। यहाँ पर स्वयं पराशर मुनि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं पराशर मुनि? बता रहे हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य शैवासनं भागायतिंजना। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान उसको ही कहा जाता है जिसके अंदर छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं उसी को भगवान घोषित किए जाते हैं। ये विष्णु पुराण से निकाले गए श्लोक। क्या कहते हैं? वन हु इज कंप्लीट इन सिक्स ऑफ वेल्थ, इसमें धन है, पावर इसमें शक्ति है, फेम इसमें भगवान का यश है, ब्यूटी उनका सुंदरता है, नॉलेज उनका ज्ञान है, और रिनाउंसिएशन उनका वैराग्य है। ये छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में। तो इसमें देखेंगे कि भगवान का यदि हम धन का तुलना करने की कोशिश करेंगे अपने सीमित बुद्धि से, तो भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को कहते हैं लक्ष्मीपति। कौन सा पति कहते हैं उसको? लक्ष्मीपति। हमारे पास थोड़ा सा कुछ धन आ जाते हैं तो हम अपने आप को लखपति मानते हैं, या अपने आप को करोड़पति मानते हैं, या अरबपति मानते हैं, लेकिन इस संसार में भगवान को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके लक्ष्मीपति किसी को नहीं कहा जाता है। तो लक्ष्मीपति भगवान कौन है? लक्ष्मीपति है, जिनके कारण है ना, जिनके कारण भगवान एकमात्र भगवान बोल सकता है कि मैं क्या हूं, समस्त जितने भी धन है वो मेरा है। और इसके कारण इस धन का दुरुपयोग कई लोग ने किए हैं। रावण ने इसको दुरुपयोग किए हैं, कई असुर ने दुरुपयोग किए हैं, जिनका संहार उनका हुआ है। तो ये भगवान का एक बहुत बड़ा क्या है, वेल्थ, जो लक्ष्मी है भगवान का क्या है, दासी है।
और दूसरा क्या बताते हैं, पावर। तो इस प्रकार से बताए गए हैं कि भगवान का 6 ऐश्वर्य जो संपूर्ण मात्रा में इनके अंदर पाए जाते हैं उसी को भगवान बताए गए हैं। और एकमात्र कृष्णा जो है इन समस्त 6 ऐश्वर्य का क्या है, मालिक है। और जिनके कारण यहाँ पर बताए गए हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इनको क्या कहते हैं, द लॉर्ड इज सेंट पर्सन परफेक्ट वर्स अदर्स नेमली नारायण ब्रह्म शिवा एंड द अदर डिमिगॉड्स ऑल अदर लिविंग बीइंग्स पोजेसेस ओनली डिफरेंट परसेंटेज ऑफ सच परफेक्शन। अन्य यहाँ पर नारायण का भी चर्चा किए जा रहे हैं, शिव जी का भी चर्चा किए जा रहे हैं, केवल एकमात्र कृष्ण के पास क्या है, समस्त रूप से क्या होता है, उनके पास सब ऐश्वर्य उपलब्ध है। तो जिनके कारण भगवान कृष्ण जो है ये समस्त जो देवता देवी है, समस्त जो अवतार है, उनका एकमात्र स्रोत है। इनको जानने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े देवता देवी है ना, जानने की कोशिश किए हैं लेकिन उनको जानना बहुत ही दुष्कर बताया गया है। यहाँ पर भगवान का जो रूप है बताया गया है, भगवान का जो कई ऐसे रूप है, भगवान का विष्णु के स्वरूप है इत्यादि इत्यादि, चतुर्भुज होते हैं भगवान का, लेकिन भगवान का जो 2 भुज वाले रूप है उसको श्याम सुंदर रूप बताए गए हैं, वो ही क्या है, एकमात्र ओरिजिनल बताए गए हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत ही सुंदर, यहाँ पर ये लघु भागवत से ये श्लोक निकाले गए हैं, कृष्ण न्योह यदो संभूत यह पूर्ण सो अस्ति यतः परः वृंदावन परित्यज्य स क्वचित् नैव गच्छति, कि वो जो भगवान है वो वृंदावन छोड़ करके कहीं और नहीं जाता है। वो जो भगवान कौन है, भगवान जो बंसी धारण करते हैं, बांसुरी धारण करते हैं, वो वृंदावन से एक कदम भी नहीं बाहर नहीं जाते हैं। द कृष्णा नोन एज यदु कुमार ओ श्याम सुंदर ही इज different from the Krishna, you know, यहाँ पर बता रहे हैं, the Krishna who is known as Yadu Kumar and Vasudev Krishna, he is different from the Krishna who is a son of Nanda Maharaj. Yadu Kumar manifests his pastime in the city of Dwarka and Mathura, but Krishna never leaves Vrindavan. बताए गए हैं जैसे यदु कुमार बताए गए हैं, वसुदेव इत्यादि बताए गए हैं, ये क्या है, भगवान के ही विस्तार है। वो कहाँ पे मिलेंगे, वो द्वारका या मथुरा में मिलेगा, लेकिन जो कृष्ण है वो कहाँ होते हैं, वृंदावन में होते हैं। और वृंदावन का जो कृष्ण है वहां भगवान अपने असीमित लीला वहां पर प्रकट करते हैं, और असीमित लीला प्रकट करने से क्या करते हैं, उन समस्त, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उन समस्त ब्रज वधु को आकृष्ट करते हैं जो सबसे ऊंच कोटि के भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि गोपीर भर्तु पद कमल यो दासनु दासनु दास, इन समस्त भक्त पूरे ब्रह्मांड के अंदर समस्त भक्त में से उन भक्त का दर्जा ऊंची बताए गए हैं, कौन, जो ब्रज के वधु में है। और वहां बताए गए हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या दे रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, उन्ही ब्रज वधुओं को के चरण कमल में हम लोग को नतमस्तक होना चाहिए, रज हम लोग को प्राप्त करना चाहिए, फिर जाकर के वृंदावन का लीला को हम लोग क्या करेंगे, इनको समझ पाएंगे। जिनके कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो कृष्णा है ना वृंदावन के अंदर, वो कृष्णा जो है उनको कोई भी भगवान नहीं मानते हैं। अब देखिए ये बहुत ही एक समझने वाली बात है, वृंदावन के अंदर यशोदा मैया भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। हालांकि भगवान कहीं से लीला की है, जब बलराम ने भगवान को पकड़ लिए थे, पकड़ कर ले आए गए और माँ के सामने आके कहते हैं, मैया जानते हो आज कान्हा जो है मिट्टी खाए, तो मैया बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि लला तुम क्यों मिट्टी खाते हो, तुमको खाने का कमी है, तुम ऐसे क्यों करते हो। तो कृष्णा कहते हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं खाया। तो मैया ने क्या किया, कहते हैं तुम नहीं खाए तो अपना मुंह खोलो, मुंह खोलो मैं देखूं। जब मुंह खोलते हैं तो भगवान के मुख में यशोदा मैया समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, यहाँ तक वो यशोदा मैया कृष्णा को भी अंदर प्राप्त वो करती है। तो ये देख करके यशोदा मैया भ्रमित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं,
और देख करके एकदम हैरानी के साथ कहते हैं ये क्या चीज है। तो फिर जब कृष्ण भगवान देखते हैं यशोदा मैया वो घबरा गई है इसको देख करके, तो क्या किया भगवान अपने शक्ति से मैया की जो क्या करती हैं वो आवरण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से यशोदा मैया सोचते हैं जो भी हो लेकिन तू मेरा लल्ला हो, तू मेरा कृष्णा हो, उसको गोद में बिठा करके अपने स्तनपान कराती है। तो वो जो कृष्णा है वृंदावन में लोग उनको भगवान नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते वहां पे। क्यों भगवान नहीं मानते हैं कृष्ण को? क्योंकि कृष्ण को अपना कोई सखा मानता है, कोई अपना बेटा मानते हैं, कोई अपना प्रेमी मानते हैं, इस प्रकार से भगवान के साथ उनका संबंध है। तो वहां पर यशोदा माई जो है सब देखने के बाद भी वो नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का उस वो रस स्वादन करना चाहते हैं जो अन्य लोगों को प्राप्त नहीं होता है। भगवान जब वैकुंठ लोक में अपने विस्तार करके वहां रहते हैं तो भगवान वहां सब सुखा सुखा होते हैं, क्योंकि सब लोग सल्यूट करते हैं, राम राम करते हैं, माई बाप मालिक करके बुलाते हैं, तो वहां कोई उस तरह के संबंध नहीं है। वहां पर क्या है, वैभव है वहां पे, तो वहां पर वो आनंद नहीं मिलता उनको। लेकिन वृंदावन के अंदर भगवान को आनंद मिलता है। कैसे आनंद मिलता है? जब यशोदा मैया उनको पकड़ करके बांधते हैं, जब गोपीजन उनको चिराते हैं, गोपीजन उनको मोर के जैसे उनको नचाते हैं, गोपीजन इस प्रकार से जब लीला करते हैं तो भगवान को आनंद मिलता है। जिनके कारण यहाँ पर क्या बता रहे हैं, द्विभुजहा स्वदहा सोत्राना कदाचित चतुर्भुजहा गोप्यस्तरा परिकृतति नित्यदा। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो स्वयं भगवान कृष्ण ऑलवेज मैनिफेस्ट टू आर्म, वो क्या करते हैं दो भुज हरदम वो क्या करते हैं प्रदर्शन करता है। ही नेवर मैनिफेस्टेड फॉर आर्म, वो चार भुज अब बनाते नहीं है। ही इज ऑलवेज एट द राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मर्स गोपी श्रीमती राधा रानी। वो कहाँ होते हैं, भगवान जो है श्रीमती राधा रानी के सीधे हाथ पे हरदम वो वहां पे होते हैं। इस प्रकार से हुआ है जो गोपी जन है वो क्या करते हैं, जब भगवान रासलीला वहां पर उन्होंने शुरू किया है ना, तो वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, गोपी जन थोड़ा सा घमंडी हो जाते हैं, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तो वहां पर भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं और गोपी जन ढूंढने चले जाते हैं। और ढूंढते ढूंढते जब जाते हैं तो वहां वो लोग लट्टा को, पेड़ को, पौधे को, पशु को, सब सब पूछते जाते हैं कि मैंने कृष्ण को देखा, श्याम सुंदर को देखा। तो कृष्ण ने क्या किया, चतुर्भुज धारण करके वहां खड़े हो जाते हैं। गोपी जन आकर के कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, क्या आपने कृष्ण को देखा, श्याम सुंदर को देखा? यहाँ तक गोपी जो है वो दे हैव नो इंटरेस्ट, इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि हम चतुर्भुज विष्णु का रूप हम लोग देखें, नारायण को देखें। वो किसको ढूंढते हैं, स्वयं कृष्ण को ढूंढते हैं। कौन, जो जिनके दो भुज हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इवन अर्जुन कुरुक्षेत्र मैदान में हम देखेंगे भगवान ने अपने को उनको विराट रूप दिखाए। भगवान ने विराट रूप में भगवान ने समस्त जितना भी देवगण है, जितना भी देवी है, जितना भी है असुर किन्नर जितने भी है, समस्त भगवान के ही शरीर में पाए गए थे। लेकिन वहां पर अर्जुन क्या कहते हैं, केशव, कृष्ण मेरे को ये मत दिखाओ, ये देख नहीं पा रहा हूँ इतना, आप अपने स्वयं रूप पे आइए। तो स्वयं रूप कृष्ण का क्या है, दो भुज वाले। तो इस प्रकार से भक्त क्या करते हैं, रस स्वादन करते हैं। भगवान का रस स्वादन भक्त लोग करते हैं, जिनके कारण यहाँ पर बताया गया, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि इन भगवान को जानना शत प्रतिशत बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को हम तभी समझ पाएंगे जब तक हम लोग अपने आग में प्रेम का अंजन नहीं डालेंगे। तो जिनके कारण यहाँ पर ये समझना है, प्रभुपाद जी जब अपने आंदोलन को शुरू किया था तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, क्या पूछा कि प्रभुपाद जी हमने देखा आप नाम जप कर रहे हो, आपके शिष्य लोग नाम जप कर रहे हैं और अन्य लोग भी उनको प्रेरणा दे रहे हो, ये नाम जप करने से आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब ये नाम जप हम लोग करते हैं, उनका उपलब्धि, उनका क्या प्राप्ति हम करना चाहते हैं कि हम सतत भगवान का नाम उच्चारण करें। तो हैरान हो जाते, क्या नाम जो है आध्यात्मिक जगत में जाकर के नाम ही उच्चारण करना होता है? वो हाँ होता है, क्योंकि ये साध्य भी है, साधन भी यही है और साध्य भी।
तो वहां जाकर के भगवान के धाम में वहां पर प्रवेश करने के बाद क्या है, भगवान का ही हम लोग गुणगान करेंगे। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि ये ब्रह्मास्त्र जो है बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। जहां पर आज का जो प्रसंग चल रहा है, इनका अंदर इतना क्षमता है कि पूरा ब्रह्मांड को जला सकता है। लेकिन क्योंकि भगवान ही स्रोत है इन सब चीज का, वहां स्वयं कृष्णा ब्रह्मा जी का स्रोत है। ब्रह्मा जी अपने आप को एक कमल के पुष्प में अपने आप को पाते हैं, और जब अपने आप को पाते हैं पुष्प कमल पे, तो वो ढूंढना चाहते हैं कि मैं, मेरा स्रोत कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है। तो वो ढूंढने की तो कोशिश किया, लेकिन उनको नहीं मिला। फिर से वापस आकर के फूल में बैठ जाते हैं और उनको अपने ही हृदय में भगवान क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो ब्रह्मा जी को ये पता चलता है उन्हें क्या करना है, सृजन करना है। तो इवन ब्रह्मा जी का स्रोत कौन है, स्वयं कृष्ण है। आप देखेंगे स्वयं गणेश जो भारत के अंदर, खास करके भारत के अंदर बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। गणेश जो है उसको विघ्न विनायक कहते हैं, शायद आप लोग भी जानते हैं, है ना, कि जो विघ्न विनायक है। अभी ये प्रश्न पूछे जाए कि गणेश विघ्न विनायक कैसे बने, है ना। ब्रह्म संहिता में बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप जब बता रहे हैं कि गणेश ने क्या किया, गणेश ने स्वयं भगवान का जो चरण पादुका है वो लेकर के अपने शीश पे धारण करता है। गणेश क्या करते हैं, भगवान का चरण पादुका, जो नृसिंहदेव भगवान है उनका चरण पादुका लेकर के अपने शीश पे धारण करते हैं। और अपने शीश में धारण करने मात्र से ही क्या होता है, उनके अंदर इतना क्षमता हो जाता है कि इस भौतिक संसार में जितने भी कष्ट हैं लोगों का, उस कष्ट का निवारण कर सकता है। तो जिनके कारण गणेश को विघ्न विनायक कहते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हरि को भजन करते हैं, बताए गए हैं कि हम लोग देवता देवी के शरण में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि स्वयं कृष्ण के शरण में है। लेकिन अन्य देवता देवी का आदर हम लोग को करते रहना चाहिए। तो जिनके कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वयं नारायण ब्रह्मा शिवा अन्य जो देवता है वो क्या है, वो भगवान के तुलना, जैसे हम लोग जब नाम जप करते हैं, पता नहीं आप लोग सुबह रिसाइट करते हैं कि नहीं करते हैं, मंगला के बाद हम लोग 10 नम अपराध हम लोग रिसाइट करते हैं, आप लोग को पता है ये 10 नम अपराध हम लोग उच्चारण करते हैं मंगला आरती के बाद, जिनमें एक क्या है, तो कंसिडर द नेम ऑफ द डेमिगॉड व्हिच आर लॉर्ड शिव और लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, कि जो अन्य जो देवता है भगवान के तुलना उनको समझना क्या है, ये नाम के प्रति अपराध है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति यदि बोलना शुरू कर ले कि हम तो इसको मानते हैं, वैसे मानते तैसे मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिए भगवान जो है हमारे बुद्धि के फैक्ट्री में नहीं बनते हैं कि हमने सोचा तो बन गया। ये हम लोग को ये जानना चाहिए, भगवान को बना ही नहीं जाते हैं। यदि हम लोग भगवान को बनाने निकल जाते हैं तो फिर भगवान कई भगवान बन जाएंगे। कृष्ण जो है वो भगवान थे, भगवान है और भगवान ही रहेंगे, उनको भगवान बना ही नहीं जा सकते। आजकल के जो है बहुत ही क्या है, फैला हुआ है, कोई भगवान के लिए बनने के लिए निकल गए। अब देखिए भगवान का शक्ति देखिए, भगवान बताते हैं, कृष्ण बताते हैं कि मेरा जो नेत्र है वो कौन है, एक है चंद्रमा दूसरा है सूरज। अब देखिए मान लीजिए आप लेके के चलिए, छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए सूरज जो है ऊपर से घोषणा करते हैं कि मेरा जो तेज है वो कम होने जा रहे हैं, आप लोग जो जीव हैं भौतिक संसार के अपना पेट्रोल ले आओ, पेट्रोल डालो और हमारा जो तेज है हमको बढ़ाओ, क्या हम लोग कर सकते हैं इसको? असंख्य कितने हैं करोड़ों साल से वो सूरज जो है अपना तेज दे रहा है, वो तेज कहाँ से आ रहे हैं, उसे हम भगवान से आ रहे हैं। ये जो सूरज है, ये जो चंद्रमा है, वो भगवान की ही अध्यक्षता में काम करते हैं। सूरज बताए गए हैं उनके ऑर्बिट, ऑर्बिट पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे, एक जगह जो टिक जाते हैं, जैसे एक पहिया है रथ का, उनका बीच में क्या होता है, है ना, वो जो टिकता है, एक ऑर्बिट होता है, जो सूरज एक ही जगह होता है, यदि वो कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर इधर उधर हो जाते हैं तो एक तरफ पूरा बर्फ हो जाएगा, दूसरी तरफ पूरा जल जाएगा। तो इतना बड़ा जो ग्रह है बताए गए हैं कितने बड़े हैं, कितने अधिक बड़े हैं पृथ्वी से।
तो ये जो सूरज है भगवान की अध्यक्षता में काम करते हैं, वो भगवान की आज्ञा से वो उगता है, भगवान की आज्ञा से ही अस्त होता है। तो उन भगवान को जानने के लिए हम अपने सीमित बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, जिनके कारण यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इनको जानना हमारे बस की बात नहीं है। और क्या बताते हैं, नो वन इज इक्वल और ग्रेटर देन हिम, ही इज उन, यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी उनका बराबर नहीं हो सकता है, इनका बराबर कोई नहीं हो सकता है। और जिनके कारण यहाँ पर कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर छह गोस्वामी बहुत ही सुंदर लिखते हैं, जो बताते हैं कि उस भगवान को यदि हम लोग उनका सेवा करेंगे, कृष्ण भगवान का, तो समस्त जितने भी देवता देवी हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान के, इन सब सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक हम बताते हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का चौथा अध्याय चौथा स्कंद में 31.14 श्लोक है। यथा तरोर्मूलानि सेचनेन त्रेपयन्ति ततः स्कन्धभुजपाशकः प्राणोपप्रेरक च येन्द्रियाणां तथैव सर्वाहनां उत्तेज्यः। बताते हैं कि जिस प्रकार हम लोग एक जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष जो है वो हरा भरा हो जाता है। हाँ, दोबारा हम बोलना चाहेंगे कि एक पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष जो है हरा भरा हो जाता है। उनके टहनी को, उनके पत्ते को स्वतः ही क्या होता है, वो तुष्ट हो जाते हैं या उनको पानी पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार बताए गए हैं कि यदि हम भगवान कृष्ण के चरण कमल में हम लोग अपने सेवा अर्पित करेंगे, तो वो क्या करेगा, अन्य जितने भी देवता देवी हैं, जितने भी अवतार हैं, उन सबको क्या होगा, अपने आप ये सेवा अर्पित हो जाएगा। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं द्रौपदी का उदाहरण। द्रौपदी बहुत ही कष्ट में था, द्रौपदी के पास दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि के साथ साथ कितने उनका हजारों शिष्य भी आए, और द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र थी जिनके कारण वो एक नहीं, 10 नहीं, 1,000 नहीं, करोड़ नहीं, अरब जितने लोग आते हैं आ सकते हैं, उन सबको खाना या भोजन परोस सकती है। लेकिन जिस समय द्रौपदी पालेगी उस समय कुछ नहीं मिलने वाले। तो वहां पर दुर्वासा मुनि आए और द्रौपदी ने भोजन पा ली थी, और द्रौपदी को भोजन पाने के बाद वो अक्षय पात्र जो है वो भोजन नहीं दे पाएंगे। तो वहां बहुत ही कष्ट वाला सिचुएशन था, लेकिन वो भगवान को याद किया, कृष्ण कृष्ण को पुकारा। जब कृष्ण को पुकारा, कृष्ण बहुत ही है ना चुटकी बजा करके वो सब समस्या का समाधान भगवान ने दे दी। क्या किया उन्होंने, एक दाना, कोई साग कहते हैं कोई दाना कहते हैं, जो भी था थोड़ा सा चिपका पड़ा हुआ था पतीला में, उस अक्षय पात्र में भगवान ने लिया, अपने मुंह में डाले, और भगवान संतुष्ट होने के कारण समस्त जितने भी थे शिष्य दुर्वासा मुनि के साथ, वो सब लोग संतुष्ट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ के बता रहे हैं उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग भोजन अपने मुंह में डालते हैं, वो पेट में जैसे धीरे धीरे भोजन एक चपाती दो चपाती पाते हैं तो हम लोग तृप्त हो जाते हैं, वैसे बता रहे हैं भोजन में, पेट में भोजन डालने से अन्य अंग जो है, आंख है, कान है, उंगली है, इत्यादि इत्यादि, वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से देने की जरूरत नहीं है। यदि आज हम लोग कान को देना शुरू कर ले, आंख को देना शुरू कर ले, तो हमको ENT में भर्ती करवाना पड़ेगा। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि मुंह में डालने से वो पेट में जाते हैं। उसी प्रकार बता रहे हैं कृष्ण भगवान का उपासना करने से क्या होता है, समस्त देवता देवी, समस्त जितने भी अवतार हैं, उन सबों का सेवा हो जाते हैं। तो जिनके जिनके कारण यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि वहां पर परीक्षित महाराज जो है उनका सुरक्षा भगवान ने की है, चाहे कितने बड़े ब्रह्मास्त्र क्यों न हो, कितने बड़ा अस्त्र क्यों न हो, जब भगवान खड़े होते हैं बचाने के लिए तो उनका कोई बाल बांका नहीं हो सकता है। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि उन भगवान को क्या, यदि हम लोग उन भगवान को हम जानना चाहें, तो भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्रेम
प्रेम का अंजन अपने आंख में डालना पड़ेगा। वो कैसे होगा? इस हरिनाम का उच्चारण करना पड़ेगा। हरिनाम को उच्चारण करके हमारे हृदय में क्या होगा, जो अवांछित चीज है, जो अवगुण चीज है, जो अनवांटेड चीज है, वो धीरे 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 करके वो साफ होगा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के क्या कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। हमारा जो चित्त है उसमें क्या, जैसे एक दर्पण के ऊपर धूल पड़ जाते हैं, है ना। जब धूल पड़ जाते हैं दर्पण के ऊपर, मिरर के ऊपर, हम लोग अपने आप को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। और जब अपने आप को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं तो आप समझ सकते क्या है। तो ये हृदय जो है एक दर्पण के समान है। ये अनादि काल से कई प्रकार के हम लोग कर्म करके और कितने प्रकार के हम लोग प्रारब्ध कर्म करते हुए सबको भोगते हुए आ रहे हैं। तो जिनके कारण क्या होता है, ये धूल के समान बताए गए हैं हृदय में। जब ये हरिनाम हम लोग उच्चारण करते हैं तो चेतो दर्पणम आर्जनम भव महादवग्नि निर्वापनम, ये सबसे बड़ा क्या बताते हैं कि हम लोग क्या है इस संसार में, हम लोग जल रहे हैं। ये कई प्रकार के ताप है ना, कई प्रकार के ताप है जो इसमें हम लोग जल रहे हैं। और खास करके बड़े जंगल में, है ना, बड़े जंगल में, जैसे विदेश में कई हजारों एकड़ जमीन या जंगल जल गया, केवल बताया गया है कि वहां कोई रोक तो नहीं कर पाए, कोई बुझा नहीं पाए उसको। इसलिए बताया गया जो दवाग्नि है ना, जो जल रहे हैं हम लोग, जल रहे हैं काम क्रोध मोह मद मत्सर्य जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये जितना भी क्लेश हमारे ऊपर ये सतारे हैं और जिनके कारण हम लोग पीड़ित हैं। तो जिनके कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि एकमात्र भगवान का पावन नाम उच्चारण करने से क्या होगा, ये शांत हो सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान ही क्या है, एकमात्र मालिक है, अकेले ईश्वर कृष्णा आर्य सब वृत्तिया, अकेले कृष्ण मालिक है। इन द सेंस कहने का तात्पर्य है कि हम सब जितने भी जीव हैं, जितने भी देवता देवी हैं, ये सब क्या है, भगवान के दास हैं। अकेले ईश्वर कृष्ण आर्य सब वृत्तिया का मतलब है दास। जब हम लोग अपने आप को मालिक समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी एक बहुत ही दयनीय अवस्था है। जैसे कहीं घर पे आपने रेंट पे रहते हो और रेंट में रहते हुए आप घोषणा करना शुरू करते हैं कि मैं तो मकान का मालिक हूं, जैसे मालिक को सुनाई पड़ेगा तो आपको धक्का मार करके बाहर निकाल लेगा। तो इस संसार में अकेले कौन है, कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उनको याद करने से, उनको नमन करने से, अपने दिनाचार्य भगवान के ही कहे हुए पे हम लोग चलेंगे तो हम लोग सुरक्षित होंगे। हमारा सुरक्षा किस में है, हमारा सुरक्षा इसी में है जब भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। अर्जुन सुरक्षित रहा, इतना बड़े बड़े योद्धा के बीच में उनको लड़ाई करना पड़ा लेकिन अर्जुन को कोई बाल बांका नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ थे। यदि हम लोग भगवान को, हम लोग क्या करें, भगवान को हम लोग माने, भगवान के आज्ञा को माने और भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो हम लोग भी क्या होंगे, हम लोग भी सुरक्षित होंगे। तो जिनके कारण यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि उन भगवान को जानना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि हम भजन साधन करेंगे तो भगवान क्या करेगा, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रबाध्यन्ते तम तथैव भजामि अहम्। जैसे जैसे आप हमको पूजोगे तैसे तैसे भगवान क्या करेंगे, हमको वो अपना दिव्यता वो प्रदान करेंगे। तो भगवान को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान को जानने के लिए उनकी सेवा हमको करना पड़ेगा। और सबसे उत्तम सेवा क्या है, सेवन ही मुख्य जीवादो, अपने जिभा से भगवान की सेवा करना। क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका उच्चारण करने मात्र से ही क्या होगा, ये समस्त जितने भी गुण हम लोगों को चाहिए भगवान को समझने के लिए, वो गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी 9 बज गया है आप लोगों का, और यहाँ यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पूजी फॉर वंडरफुल लेक्चर। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। रेणु माता जी, यस माता जी, मैं आपको
जस्ट वन मिनट। हरे कृष्ण। हाँ, एक प्रश्न है रेणु माता जी का। रेणु माता जी, यस माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप अपने आप को माता अनम्यूट कर लीजिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, प्रणाम आपको। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि भगवान, ये नारायण लिखा हुआ है कि नारायण भी इक्विवेलेंट नहीं है भगवान के, कुछ प्रतिशत है उनमें, तो नारायण और यानी कि विष्णु जी, तो मुझे ये समझ नहीं आया, बताएंगे प्लीज। बताए गए हैं ये समस्त जितने भी भगवान का अवतार हैं, इनमें भगवान का चार मुख्य अंग भगवान का अधिक है। कृष्ण भगवान का, भगवान का उनका रूप माधुरी, भगवान का सौंदर्य, भगवान का वेणु माधुरी, बंसी बजाते हैं, उनमें से कोई भी अवतार नहीं बजाते हैं, उनका लीला। तो ये चार जो है अधिक बताए गए हैं। शिव जी का मेरे ख्याल से 55 गुण बताए गए हैं, और जो विष्णु है या नारायण है उनको 60 गुण बताए गए हैं, 60 है ना। बाकी जीव का मेरे ख्याल से 50 है, जितने भी जीव हैं, जो जीव है संसार में 50 अंग बताए गए, 50 अंग हैं, 55 शिव जी का बताए गए हैं, क्योंकि शिव जी जो है ना जीव है ना भगवान है, वो बीच में है, उसको शिव तत्व बताए गए हैं, और नारायण को 60 बताए गए हैं और कृष्ण भगवान को 64 बताए गए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि मेरे ख्याल से यही था ना तात्पर्य, प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि द लॉर्ड इज 100% है ना, भगवान क्या है, 100% है, वर्स अदर्स नेमली नारायण ब्रह्मा शिवा एंड द डेमी गॉड्स ऑल अदर लिविंग एंटिटीज लिविंग बीइंग्स पोसेसेस अ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ सच परफेक्शन। तो इसीलिए बताए गए हैं अलग अलग क्या है उसमें गुण होते हैं। तो जीव का 50 होता है, शिव जी का 55 होता है, नारायण जितने भी हैं विष्णु तत्व नारायण उसमें 60 होता है, केवल कृष्ण भगवान को 64 होता है। इसलिए अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्यय। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे जी कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर नहीं हुआ मुझे। मान लीजिए गुणों के आधार पर आप ये बात कह रहे हैं, मगर कहते तो यही है कि कृष्णा का अवतार है विष्णु जी, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा। कृष्णा, कृष्णा क्या है, विष्णु का अवतार है। हाँ, आप ये बताया ना कि कृष्णा इज द, मतलब कृष्णा जो है सभी अवतारों का स्रोत है, सोर्स है। तो जो विष्णु जी हैं वो कृष्णा जी का सोर्स है, मतलब कृष्णा जी का अवतार विष्णु जी है। कृष्णा अवतारी, कृष्णा जो है वो अवतारी है, अवतारी है, और बाकी जो जो है वो अवतार है। उदाहरण लेकिन के जैसे रूप कि पहले प्रभु जी ने बताया था, अरुण चतन प्रभु ने, कि जैसे शिव जी से एक बार पार्वती माता ने पूछा था कि भक्ति किसकी सर्वश्रेष्ठ है, तो शिव जी ने कहा था कि विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो जब हम कह रहे हैं कि विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर जब नारायण में आते हैं तो वो कैसे कृष्ण से अलग हो गए ना। एक रूप से अलग नहीं है, अलग नहीं बोल रहे हम, भगवान से ही इनका विस्तार होता है। जैसे एक मोमबत्ती आप ले लीजिएगा, एक मोमबत्ती लेकर के आप 10 अन्य मोमबत्ती को चला दीजिएगा, तो जो एक मोमबत्ती आपने लिए हैं साथ में डालेंगे तो उनका जो दीप है, इनका जो अग्नि है, एक समान दिखेगा, लेकिन इसमें एक ओरिजिनल है। आप समझे इस बात को। तो उसी प्रकार बताए गए हैं यहाँ पे, इस भौतिक संसार में हम लोग इसको क्या कहते हैं, विष्णु तत्व कहते हैं। विष्णु तत्व वो विष्णु नहीं है, स्पिरिचुअल, आप समझे ना इस बात को। इसमें एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, एक दिव्यता की बात कर रहे हैं। तो कृष्णा जो है वो सबका स्रोत है। इसमें कई प्रश्न लोग पूछते हैं, यदि कृष्ण जो है उनको भगवान हम मानते हैं, तो भगवान का जो माता पिता है उनसे बड़े हुए, जो पैदा करता है वो बड़ा होता है, तो माता पिता भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जब ब्रह्मा जी पधारे हैं, ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, कि ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं कि कई ईश्वर हैं, लेकिन इन सब ईश्वर में से कौन बड़े हैं,
ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण जो है वो परम है। कैसे परम हुआ? क्योंकि जब कुछ नहीं था केवल कृष्ण था, और जब कुछ नहीं होगा केवल कृष्ण रहेगा। आप समझ रहे इस बात को? भगवान से ही ये विस्तार हुआ है। जब भगवान से विस्तार हुआ है तो उसमें भगवान के ही गुण है, जिसको विष्णु तत्व बताए गए हैं। लेकिन जो भी विष्णु है, जहां प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि उन लोगों में भगवान के जैसे, जैसे उदाहरण के रूप में रामचंद्र भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम बताए गए हैं। हालांकि रामचंद्र भगवान को देखें, वो भी भगवान है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण भगवान राम ने वो गुण या वो अंग, वो अंगीकार नहीं कर पाए जो कृष्ण ने किया। उदाहरण के रूप में जब वो जंगल की ओर निकल पड़ा था तो वहां कहीं सिद्ध मुनि उनको देख करके उनके साथ एक संबंध स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि जितने भी जीव है इस संसार में सब क्या है? प्रकृति है, भगवान के भोगे जाने वाली वस्तु। तो वो जो मुनि थे वो भगवान को क्या अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। तो रामचंद्र भगवान कहते हैं कि इस रूप में तो स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, मैं जब आऊंगा, जब स्वयं रूप में आऊंगा कृष्ण के रूप में, तो क्या करूंगा? आप लोगों को स्वीकार करूंगा। तो वही कृष्णा ने क्या किया, उन गोपी जन को उन्होंने स्वीकार की। तो कहीं ये सिद्ध मुनि वृंदावन में जाकर के वहां पर अपना लीला वहां पर प्रकट करते हैं, जो भगवान उनके साथ विवाह करते हैं या भगवान उनको स्वीकार करते हैं। तो भगवान जो है, रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण भगवान वो लीला पुरुषोत्तम है। तभी हम बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के पास चार ऐसा अंग है जो अन्य लोगों के पास नहीं है, जिनके कारण भगवान कृष्ण को प्रमुख बताए गए हैं, मूल बताए गए। प्रभु जी वो चार अंग कौन से हैं? रूप माधुर्य गुण माधुर्य यही? हाँ जानते हैं आप। एक बार बता दीजिए प्लीज। भगवान का रूप माधुरी है ना, भगवान का रूप बताए गए हैं, कंदर्प कौतिक मनीय विशेष शुभम, कि इतना संख्या जो कामदेव हैं भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं उनका सौंदर्य को देख करके। भगवान वेणु बजाते हैं, है ना, भगवान अपनी लीला, ये जो लीला भगवान ने की है वृंदावन के अंदर, स्वयं लक्ष्मी देवी भी आकर के इस लीला में प्रवेश करने की कोशिश की है, उनको प्रवेश नहीं मिला, उनको वहां पर आज्ञा नहीं दिए गए। तो स्वयं लक्ष्मी वहां पर प्रवेश करना चाहते थे, नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान का चार ये है, मुख्य है। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा। कौन? कमलेश जी? नहीं, विजय, विजय नांगिया। हाँ जी बताइए माताजी। मेरा प्रश्न भी यही है जो अभी ये पूछ रही थी। तो आपने कुछ बताया लेकिन इसमें एक संशय है। तो जैसे श्री कृष्ण और विष्णु जी कहते हैं 64 गुण है, उनमें 16 है, तो ठीक है ये मान लिया हमने, और जो लिखा हुआ ग्रंथों में मान लिया हमने जो बताया, लेकिन वैसा वर्षा ये भी कहते हैं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण दोनों सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है। फिर ये भी कहते हैं कि वो 60 गुण वाले हैं, वो 64 गुण वाले हैं। वन मोर थिंग, दैट्स इट, दिस इज द थिंग, वन मोर थिंग। ऐसे श्री राम है, श्री राम भी भगवान ही है, उनको भी भगवान माना जाता है, विष्णु जी माना जाता है, उनके भी 60 है, उनके 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 भी 60 है, और कृष्ण के 64 है, इन दोनों के 60 हुए, और कहते हैं कि विष्णु जी और श्री कृष्ण सेम है, वैसा वर्षा वो कहते हैं 60 गुण वाले हैं या 64 वाले, वैसा वर्षा वो कहते हैं कि विष्णु जी और श्री कृष्ण सेम है, इधर श्री राम उनके भी उतने ही गुण है, वो भी सेम है, ये समय ये गड़बड़ हो जाती है। ये इसमें गड़बड़ वाली बात तभी होते हैं, गड़बड़ क्यों होता है इसमें, इसमें दो चीज समझने वाली बात है हम लोगों को। देखिए भगवान जो है, कृष्ण जो है,
अपने भक्त का एक पूर्ति करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। आप समझे ना इस बात को, कृष्ण जो है अपने आप को विस्तार करते हैं भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए, प्रहलाद की संतुष्टि के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का उन्होंने अवतार लिए हैं, और वहां हर एक जो लीला है भगवान के ही विस्तार है। लेकिन सब विस्तार होने के बावजूद भी, क्योंकि एक तो ओरिजिनल भी तो होना चाहिए, विस्तार तो होता है, किससे विस्तार हो, किसी से तो विस्तार होगा। मान लीजिए अभी आप हैं, आप माँ बने हैं, आपका कई बच्चे हैं, दो बच्चे तीन बच्चे, लेकिन स्रोत तो आप ही है ना। एक रूप से बोलेंगे हम एक ही हैं, वही शर्मा ही फैमिली है, लेकिन शर्मा फैमिली में एक माता पिता भी तो है। तो एक दृष्टिकोण से देखे जाए, इन सब विस्तार जो भगवान से ही निकले हैं, ये सब विस्तार जो निकले हैं भगवान से ही निकले हैं ना, जो भगवान से निकले हैं एक है, लेकिन स्रोत तो भगवान ही है ना। आप समझे इस बात को, विस्तार तो भगवान से ही निकले हैं, जितने भी विस्तार हैं, जैसे आप लोग जानते हैं भगवान के राइट हैंड साइड से बलराम जी का उत्पत्ति होता है, भगवान के लेफ्ट हैंड साइड से श्रीमती राधारानी का उत्पत्ति होते हैं। तो राइट हैंड साइड से बलराम से कई विस्तारे होते हैं, है ना, ये जो वसुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न इत्यादि, ये सब का विस्तार होता है, जिससे नारायण उत्पन्न होते हैं, जिससे कई विस्तार होते हैं, ये हम लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है। और उनके लेफ्ट हैंड साइड से श्रीमती राधारानी का उत्पत्ति होता है, जिनसे कई विस्तार होते हैं। श्रीमती राधारानी जितने भी भगवान के साथ लीला किए हैं, चाहे वो द्वारका में हो या कहीं पर भी हो, ये सब क्या है, श्रीमती राधारानी का ही विस्तार है। और हालांकि इस भौतिक संसार में आकर के जो यहाँ पर जो बहिरंग शक्ति है, वो भी श्रीमती राधारानी का ही विस्तार है। तो ये सब विस्तार है भगवान के ही। तो भगवान का होने के नाते उनका उनका अंदर क्या है, वो स्रोत है, वो ही इज द अवतार का, हर एक अवतार का स्रोत है। तो उस रूप से हमको जानते हैं कि कृष्ण भगवान से ही अनेक विस्तार हुए हैं। तो जिनके कारण एक जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल ही रहेगा ना। तो एक रूप से ये चार गुण बताते हैं कि इनका ये चार गुण हैं जो भगवान के अंदर हैं। हालांकि सब विष्णु तत्व ही हैं। मान लीजिए आप राम का भजन करते हो तो आप अयोध्या चले जाएंगे, वो भी स्पिरिचुअल ही धाम है, वहां आप जाएंगे तो वहां से वापस नहीं आएंगे। आप मान लीजिए विष्णु का उपासना करते हो तो आप वैकुंठ चले जाएंगे, वहां पर भी जाने के बाद वापस नहीं आओगे। लेकिन जैसे पांच अलग अलग रस है भगवान के साथ, हम लोग स्थापना कर सकते हैं, भगवान के मित्र बन सकते हैं, भगवान के दास बन सकते हैं, भगवान का माता पिता बन सकते हैं, भगवान के हम प्रेमी बन सकते हैं। तो ये जो प्रेमी और प्रेमिका जो है, परप्रिय भाव जो है, ये सबसे ऊंचा माना जाता है, जो केवल कृष्ण भगवान ही प्रदर्शन करता है, अन्य लोग नहीं करता है। तो ये है आचार्यगण, इनके बारे में विश्लेषण करते हैं। और ये जो टॉपिक है, यदि कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये एक टॉपिक अगले बार इसी के ऊपर रखे जाए, ताकि क्योंकि एक जो है हम लोग इस श्लोक को देख करके हम लोग समझाएं, लेकिन हम लोग जैसे जैसे भक्ति में हम लोग अग्रसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो चीज क्या होगा, वो एक्सकावेट होता है, वो धीरे धीरे रिवील्स होता है। तो मेरा तो यही है कि कृष्ण भगवान मुख्य है, इन द सेंस क्योंकि वो अवतारी हैं। अवतारी और अवतार में अंतर है, जिनके द्वारा निकले गए हैं उसको अवतार किए गए बताए गए। हरे कृष्ण। अरुण चैतन्य को ये होते हैं, हरे कृष्ण, आपने अच्छे से समझाया, हमें समझ आ गया। लेकिन हम मानते हैं कि श्री कृष्ण श्री कृष्ण है, उनके उनके बराबर, उनसे ऊपर, उनसे नीचे, उनसे नीचे ऐसा, उनसे ऊपर कोई नहीं है, ये हम मानते हैं। ये हम दिल से मानते हैं, बुद्धि से भी मानते हैं, ऐसा नहीं, बुद्धि से भी मानते हैं, खाली दिल से नहीं मानते, क्योंकि दिल से माने जाए वो चीज गलत भी हो जाती है। बुद्धि और दिल जब मिल जाते हैं तो वो ठीक होती है। तो हम श्री कृष्ण को मानते हैं, सारा संसार मानता है, सब देवी देवता मानते। लेकिन आज मैं सुबह और प्रवचन भी सुन रही थी अमोघ दास जी का, तो वो बोलते हैं भगवान विष्णु
जो है और श्री कृष्ण दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है दोनों, वो भी यही बोल रहे हैं, आप भी यही बोल रहे हैं, और दोनों सेम होने के बावजूद भी अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, वो अवतार हैं और अवतार नहीं है, तो अलग हुए तो क्यों बोलना, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों सेम है, सेम इसलिए है दोनों दिव्य ही है। भगवान जब कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, विष्णु भी दिव्य है, विष्णु जो है भौतिक कैटेगरी में नहीं गिने जाते हैं, इसलिए जितने भी विष्णु तत्व हैं वो एक तत्व है, आप समझे ना, सच्चिद आनंद, लेकिन ये एक तत्व होने के बावजूद भी एक ओरिजिनल है जो हम लोग को समझना पड़ेगा, और ये ओरिजिनल जो है वो स्वयं ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते थे, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे तो हम लोग तो वैसे ही हैं, तुच्छ है ना, आप ही मेरी बात बता रहा हूँ, तो हम लोग भी भ्रमित होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी जब देखा कि वहां पर जो है मेरे स्वामी जी अवतार लिए हैं, आए हुए हैं, जो जाकर देखा ये छोटा बालक है और पता नहीं वो खा रहे हैं, झुरतन खा रहे हैं, किसी के कंधे के ऊपर वो छलांग मार रहे हैं, तो ब्रह्मा जी सोचा ये कैसे मेरे स्वामी हो सकते हैं, मेरे स्वामी तो क्या है एकदम क्या है, है ना, विद ओ एंड रेवरेंस, है ना, सब लोग उनको बहुत ही भव्यता के द्वारा उनको पूछते हैं, लेकिन ये तो सरल है, वो नाच रहे हैं गा रहे हैं, ऐसे कैसे स्वामी हो सकता है। जब ब्रह्मा जी भ्रमित होते हैं तो हम लोग भी भ्रमित हो सकते हैं, और ब्रह्मा जी बाद में अपने परिपक्वता में, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है उनका चार मुख है, चार सिर है, चार सिर मतलब चार ब्रेन चलता है, चार अपने जो जो, जो सिर है वो चार वेद का भी उच्चारण उन्होंने किए है, मैं वेद, और वो अपने परिपक्वता में रियलाइजेशन में जाकर के बताते हैं कि कृष्ण जो है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आप समझे ना इस बात को, और इसमें बहुत ही सुंदर है, बताते हैं रामादि शिव मूर्ति इत्यादि बताते हैं कि एक अलग अलग अवतार हुए हैं, लेकिन कृष्णा जो है सबका स्रोत है। अभी हम देखे जाए तो सब एक समान इस रूप से बताए गए हैं क्योंकि सब सच्चिद आनंद ही है, उस दृष्टिकोण से सब समान है, क्योंकि एक जो है सबका स्रोत है, ये चार अंग उसमें ज्यादा है, तो उसको अवतार ही बताए गए। यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग अरुण चैतन्य प्रभु? थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट। जैसे कि माता जी ने कहा, प्रभुपाद जी के शब्द याद आए, प्रभुपाद जी बताते थे, जैसे हमने कहा कि माता जी का एक्चुअली सोचना जायज है कुछ हद तक, जब तक नॉलेज नहीं होगा तो हम ऐसा सोचेंगे। कई बार हम सुनते हैं विष्णु कृष्ण बहुत सेम, के बस कहते हैं अलग हैं, गुणों की बात है तो 64 हैं 60 हैं, तो यहाँ इंसान कंफ्यूज रहता है, एक जगह कह रहा है कि दोनों अलग हैं, वो फिर कहे जा रहा कि सेम ही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसके ऊपर कि कृष्ण की तुलना करेगी जैसे एक पिता घर पे होता है और विष्णु की तुलना करेगी जैसे एक ऑफिस में होता है ना? तो आप विष्णु को सोचिए कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं ना, कृष्ण जैसे बच्चा जब पिता घर पे आता है उसको घोड़ा बनाता है, उसके कंधे पे झूलता है, घूमता है, घोड़ा बना के उसको बैठता है, अब वही पिता अगर ऑफिस में है तो बच्चा उसके साथ ऐसा कर सकता है? मैं कोशिश कर सकती हूँ, वही करूँगी। अपने मोबाइल म्यूट रखिए, बाकी भक्त जो है पीछे से आवाज आ रही है। तो वैसे ही कृष्ण जो है घर पे है, विष्णु ऑफिस में, ठीक है, अचिंत्य भेदा भेद है एक तरह से, क्योंकि दोनों सेम भी हैं और नहीं भी हैं। है ना, उदाहरण दिया प्रभु जी ने कि जैसे एक मोमबत्ती एक है, मोमबत्ती सोर्स एक है, उसी मोमबत्ती से सारी मोमबत्तियां जलाई गई है ना, जैसे कहते हैं 16 कला पूर्ण कृष्ण को कहते हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, वैसे कृष्ण की 16 कलाएं हैं, चंद्रमा एक ही है, कभी आधा दिखता है, कभी ठिंगा दिखता है, कभी बहुत बड़ा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, पर है तो चंद्रमा एक ही है ना, वैसे कृष्ण अलग अलग कलाओं में आते हैं। ऐसा नहीं कि विष्णु जब नरसिंह भगवान आते हैं तो उसमें पूरी शक्ति नहीं है, नरसिंह भगवान है वही शक्तियां हैं, पर जिसकी जहां जरूरत है वही दिखाएंगे, वहां पे बल की जरूरत है तो बल दिखाया, कपिल देव में आए तो ज्ञान दिखाया, नर नारायण में आया तो अपना योग दिखाया, वैराग्य दिखाया, तो मतलब कि शक्तियां उतनी ही है भगवान में, कम नहीं होती, पर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जहां जरूरत है उतनी ही दिखाते, अंतर नहीं दोनों में कोई, पर अंतर है भी गुणों के आधार पर देखा जाए, बहुत ये डीप है।
विष्णु भी चार, विष्णु तीन कहे गए हैं ना, अंतर नहीं है, अंतर है अभी। अब हम तो यही तो समझना है माता जी, जब हम कहते हैं ना कि मैं बुद्धि से बात मानती हूँ, तो बुद्धि से बात माने तो क्वेश्चन नहीं उठता। अभी हम बुद्धि से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे इस बात को। ये इज पॉसिबल कि एक भी है नहीं भी है, गुण अंतर है, पर मानना पड़ेगा अलग है। तो विष्णु तीन कहेंगे ना, महाविष्णु है जिसे कहते हैं, कारण गर्भोदय का विष्णु कहते हैं, गर्भोदय का विष्णु है, तीन तो विष्णु भाई, इन तीनों के सोर्स कौन है? फिर कृष्ण है, ठीक है। तो जो आदान प्रदान जो प्रेम आप कृष्ण से कर सकते हो ना, विष्णु से नहीं कर सकते। लीला अवतार लीला माधुरी कहते हैं, जो लीला कृष्ण कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। आप विष्णु के गले कैसे लगाओ, चार भुजाएं हैं, कैसे गले लगाओगे? आओ जी गले लग जाते हैं, नहीं लग पाओगे। पर जो आदान प्रदान कृष्ण से हो सकता है ना, वो किसी से नहीं हो सकता। जैसे एक बार, माफ करना मैं दो मिनट ऐड करूंगा इसमें, एक भक्त राम का, एक राम का भक्त था, एक कृष्ण का भक्त था। तो कृष्ण के भक्त जो थे वो अयोध्या गए, भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान राम के दर्शन करने के लिए तो अयोध्या चले गए। जब अयोध्या पहुंचे तो राम के भक्त से टक्कर हो गई, तो लगे बहन आपस में, कह रहे तेरा कृष्ण छलिया कपटी लंपट है, क्या क्या कांड की उसने, हमारे राम देखो कितने सरल हैं, कितने सौम्य हैं, कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण की मर्यादा का पालन किया। उसको बात पिंच कर गई, बुरा लगा, बात तो सही गई, गलत कुछ भी नहीं कहा है उसकी नजर से। तो बड़ा दुखी हुआ कि मेरा कृष्ण ऐसा है वैसा है, राम जी के दर्शन किए, बाप के साथ माला झोली फेंक के साइड में, अब भजन करूंगा कृष्ण, अब भजन नहीं करूंगा कृष्ण का। कृष्ण आए भाई क्या बात है, कहते हैं वो ऐसा ऐसा कह रहे थे, वो सच तो कहा, गलत क्या है इसमें? तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, वहां से तू बहक के आ गया, कोई बात नहीं। तो कृष्ण कहते हैं थोड़ा पानी पिलाओगे मुझे, तेरे हाथ नहीं पानी खुद पिए थे। तो भक्तों का लेवल है ना, हर कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, भक्त कृष्ण से लड़ते भी हैं, तो प्यार भी करते हैं, तो खुद पी ले। तो ठीक है, कृष्ण के किया, कुएं के पास गए, एक बाल्टी ली और रस्सी ना बांधते हैं बाल्टी से, तो कुएं में बाल्टी फेंक दी। अब बाल्टी फेंकी तो रस्सी भी छोड़ दी साथ में, कह देख देख ये तेरी बुद्धि, तुझे ये भी पता नहीं पानी कैसे निकालते, इसलिए कहते तू केड़ा है। तो कुछ नहीं कहा कृष्ण, कहता अच्छा ठीक है, बाल्टी गिर गई तो बाल्टी निकाल भी तो सकते हैं, हाँ तो एक काम को सीधा सीधा सरिया लेके आ जाओ। ले फिर दिमाग, सीधे सरिये से बाल्टी निकलती है कभी? टेढ़े सरिये से निकलती है। कृष्ण कह रहे यही तो समझाना चाह रहा हूँ, सीधे होके काम कभी पूरे नहीं होते, टेढ़ा बनना पड़ता है, मैं टेढ़ा हूँ इसलिए काम सारे सीधे कर देता हूँ। राम सीधे हैं तो क्या हुआ, दुख झेलने पड़े, मैं टेढ़ा हूँ इसलिए सब कुछ सीधा कर देता हूँ। तो कृष्ण सारे, कृष्ण इसलिए ना सर्वगुण संपन्न कहा गया, हर वो काम कृष्ण कर सकते जो राम नहीं कर सकते। मुझे एक रिक्वेस्ट था, मेरे ताऊ जी का कल मतलब शरीर छोड़ दिया उन्होंने कल, आज उनका संस्कार किया अंतिम संस्कार, और ब्रदर हैं जो कजन ब्रदर वो भी पॉजिटिव हैं कोरोना के, थोड़ा उनके लिए प्रभु जी मंत्र बरवा। मैं तो भक्तों से प्रार्थना कर दूंगा कि जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके लिए भी, ताकि उनका स्वास्थ्य जल्दी रिकवर हो, अच्छा सा स्वास्थ्य हो जाए। जो दिवंगत आत्मा है जिनका शरीर छोटा है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। शंकर सिंह मेहता जी, तो एक बार प्लीज आप इनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए सभी भक्त जो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि वैष्णव की प्रार्थना बहुत जल्दी लगती है। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी। चैतन्य प्रभु जी एक प्रश्न है, हरि बोल प्रभु जी, नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसके बारे में बताइए। क्या टॉपिक चल रही है हमारे कवि, नर सेवा नारायण, क्या प्रभु जी,
इस पे हम कभी अलग से टॉपिक पे क्लास लेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाएगा। ये मायावादी फिलोसफी है, नर सेवा नारायण सेवा। नारायण की सेवा करने की जरूरत क्या है, गधे की कर लो, इंसान की कर लो, भगवान को खिलाया है, नर नारायण को खिलाया की बात करें। कभी इस पे अलग से टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, फिर ना क्लास लंबी हो जाएगी, टाइम भी हो चुका है, 9:25 टाइम हो रहा है। लेकिन कुछ शब्दों में, हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ शब्दों में सिर्फ ये बता दीजिए, किसी का मुंह बंद कराना हो तो क्या करें? प्रभु जी हैं तो इनके सामने मैं नहीं बोलना चाहूंगा। प्रभु जी आप बोलिए। ना she requested you, so then you should speak. She requested you, you should talk. And now I'm requesting to you, so please. क्योंकि एक एटिकेट भी है, बिकॉज सीनियर वैष्णव के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए। थैंक यू। नो बट दैट्स ओके, शी रिक्वेस्टेड यू, शी इज मोर कंफर्टेबल विद यू, सो दैट्स इट्स ओके। नहीं प्रभु जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी हमारे लिए उतने ही आदरणीय जितना अरुण चैतन्य प्रभु है, आप भी इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ना, निरादर वाली बात नहीं बोल रहा हूं मैं, निरादर वाली बात नहीं है, बट स्टिल यू शुड से समथिंग। So, जैसे कि आपने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है ना, मोस्टली जो मायावाद फिलोसफी है सारी की सारी, उनका मानना है कि नर ही नारायण है पहली बात तो, ठीक है, तो नर की सेवा करोगे नारायण की सेवा करोगे, अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम, है ना, जो हम देखते हैं मायावादी करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, ये कृष्ण अपराधी हैं, कोई नर नारायण कैसे हो सकता है, और अगर नारायण है तो रोड का भिखारी कैसे हो सकता है, जिसकी अनंत लक्ष्मियां, जिनकी ब्रह्म संहिता कहती है अनंत लक्ष्मियां जिनकी सेवा में चरणों की लगी हो, वो भिखारी कैसे हो सकता है। हाँ, आप भिखारी की सेवा करो ठीक है, बिकॉज जो मनुष्य की सेवा करना जरूरी है, नर है तो सेवा करिए उनकी, बट नर को नारायण की संज्ञा नहीं देनी चाहिए ना, उनको नारायण नहीं कहना चाहिए, आप नर की सेवा करिए, क्योंकि वो भगवान के जीव हैं, अंश हैं, इस मात्र इस भाव से सेवा कर सकते हो। पर ये सरासर मूर्खता है ना, जैसे मैंने कहा कि नर नारायण कभी नहीं हो सकता, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था मायापुर का, जब एक हमारे भक्त मायापुर जा रहे थे, तो आप हावड़ा से जाते हैं तो मायापुर के लिए वाई ट्रेन या वाई बस जाते हैं, तो वाई बस कुछ भक्त ब्रह्मचारी थे सारे, तो बस में बैठे थे, उसमें एक नर सेवा नारायण सेवा वाला बैठ गया बीच में, मैं नारायण तुम नारायण सब नारायण, तो फिर क्यों बैठे हो यहाँ पे, सब नारायण है तू, तो नारायण वाला बैठ गया, कहते आप नारायण मैं नारायण, तो रस्ते में लघु शंका लगी उसको, तो कहते बस रोको थोड़ा, क्यों लघु शंका, अरे स्वामी आप नारायण है, नारायण को लघु शंका होती है, ये सुन के अचंबा हुआ, तो भक्त ने बस रुकवाई नहीं। अब आधा एक घंटा उसने बड़ी मुश्किल से लघु शंका रोकी रखी, जब अति हो गई नहीं कंट्रोल हो, कहता है नहीं भाई मैं नारायण नहीं, मुझे उतारो, मुझे लघु शंका जाना है, तो ये नारायण का हाल, उनके मुंह में दर्द होता है तो नारायण की हवा निकल जाती है। तो ये है मायावादी सिद्धांत सारा, ठीक है, तो नर सेवा नारायण सेवा ये मायावादी असुरों का देन है, बुद्धिमानों की देन नहीं, ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। नर कैसे नारायण हो सकता है माता जी, आप सुनिए ना, अब भगवान की डेफिनेशन प्रभु जी ने बताया श्लोक में, जिसके अंदर छह गुण होते हैं ना, छह भग हैं ना, सुना पहले छग्गा नाम ना, पुराने नाम तो आजकल तो कुत्तों के नाम रखते हैं, टाइगर टॉमी डोंगी, बच्चों के नाम ऐसे होते हैं ना, पहले नाम होते थे राम श्याम गोपी सीता है, छग्गा, छग्गा नाम कहां से आया पता आपको, छग्गा नाम आता है कृष्ण के अंदर छह गुण है, पहले नाम ऐसे रखते थे, षड गुण ऐश्वर्य अपना जिसके अंदर पाए जाते हैं, छक्का उसे कहता, तो छह गुण जिसके अंदर वो है भगवान, उसके अंदर तो एक भी नहीं, ना सूरत है ना सकल है ना सीरत है ना धन है ना बल है ना यश है ना वैराग्य, कुछ भी नहीं है, फिर कहां से भगवान। तो बड़ा दुख की बात है, आज समाज में ये प्रचार हो रहा है नर सेवा नारायण सेवा, हम भी तो करते हैं सेवा इंसानियत की, इसको हमें भंडारे चलते हैं, आए दिन लाखों लोग खा रहा प्रसाद, तो हम भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, हम नारायण को नहीं खिलाते, नारायण को भोग लग के फिर
जीवों को खिलाते हैं। यस प्रभु जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें प्लीज। इट्स क्लियर, वंडरफुल। ओके ओके देन एजुकेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी समूह दास प्रभु का तहदिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु जी समूह दास प्रभु जी का इन्होंने इतना अच्छा क्लास लिया और इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं कि उससे हम बिल्कुल वो हो जाते हैं। उनके शब्दों से ऐसे ऐसे शब्द निकालते हैं प्रभु जी कि हम ये समझ नहीं सकते कि मलेशिया से है या फिर कहीं और जगह से, मॉरिशस से है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो फिर खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा प्रभु जी की। एक बार सभी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रभु जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे हरे, राम राम, राम हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। साक्षी भक्तों के जगत को संपाद की जय, हिज दे सुख जाए। जो 9 तारीख को बहुराष्ट्रीय है, राधा कुंड का अपेयरेंस डे है, उस दिन आविर्भाव दिवस है। उस दिन हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज क्लास देंगे और उस दिन क्लास जो होगी शाम को 7 से 8:30 होगी। ठीक है, तो वो क्लास मिस नहीं करना आपको। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज क्लास देंगे, उसकी 7 से 8:30 क्लास चलेगी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण, मैं रिमाइंड करता रहूंगा बीच बीच में। थैंक यू, हरे कृष्ण। प्रभु जी 9 तारीख को फिर से याद करा देना। मैं कल भी रिमाइंड कराऊंगा 9 तारीख को। क्या करें प्रभु जी, बद्ध जीव है ना हम लोग, क्या करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधा माता।